नमस्कार दोस्तों, मैं विकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के अरार थाना अंतर्गत भवनगामा में, और यहां पे एक घटना हुई है। अगर घटना की पूरी सच्चाई जानिएगा तो सच में आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। मामला यह है कि एक मामा जो है अपने भांजा को गोलियों से भून देता है। चलिए उनके नाना नानी है, चलिए नाना नानी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ हुआ है इनसे ही जानने का हम प्रयास करेंगे। आप कौन हुए भांजा के जिसको गोली लगा है? नाना है। आपका नाती है? हाँ। क्या हुआ था, क्यों गोली मारा है एक मामा? वह जमीन के लड़ाई है। क्या की क्यों? तो दल के 50,000 टका, हम दलिए 11,00,000 टका। तो वही पर कलिए कि जब पूरा टका दबी तब न तोरो बैठ देबो। कल के नहीं देबो आप टका, हम आधा आधी बांटबो। कल आधा आधी कौन सर पर बांटबी? तो नहीं देबो आधा आधी, टका रही तो देबो, नहीं देबी तो नहीं देबो। इहे सर पर बस घूमे घूम रह गेले। बस ओकर बाप कल के हे रे मार दही, हम जेले में रहबे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो नेत था, हाँ, वो उनका एज कितना होता होगा, लगभग उम्र कितना था? उम्र कते है थे? कुमार एज है, अखनी नहीं कलिए बियाह, अहना छे अहना। अच्छा, मतलब 20 साल 22 साल का? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, यतने है थे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, वो लड़का करता क्या था आपका नेत? कुछ ना, दिल्ली में कमबे रहे, कंपनी में काम करे रहे। तो कलिए लड़ाई झगड़ करे रे नुनू, या फैसला कै लिए तब पहले चल जाइए। टका टका कुछ नहीं दल के मालिक, कल के जाओ पहले घर। घर गए 5 दिन तैले रहे, बस आब कह गए हटिया गए, हटिया से उन्ने से घूरल वह बाँस में नुकाल रहे मामा। हाँ मामा नुकाल रहे, जहना अल और पाछू 2 आदमी है आबे है। कल के चल तरा घर पर दे आबे छो, तगू अल बस पराग दल के मारि दिल्क। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि आपका नेत जो है वो अपने मामी के कोई संपर्क में था। मामी तो मामी या मामा तो सब एक मिले रे, एक खाए रे, एक रहे रे, एक रहे रे, सब कुछ करे रे, टका पैसा के कारोबार सब कुछ एक ठीन कर रहे रे। तो वह जमीने के लड़ाई भए गेले। जमीन का लड़ाई? हाँ। क्या मतलब कि जमीन में क्या हुआ था? वह कहलो ना, जमीन में कलिया आधा टका दलही, 50,000 दलही और दही टका पुराई के दबो तो। रुपया का मामला है? अच्छा, क्या 50,000 रुपया के लिए घटना को अंजाम दे सकता है क्या? जी, 50,000 रुपया के लिए घटना को अंजाम दे सकता है क्या? घटना हम तो यही सोच जानो सर, हम क्या जानेगा, हम तो मतलब पूरा मामला क्या है। हाँ, अभी अभी आपके घर में कौन लोग मौजूद हैं? कौन? अभी आपके घर में कम सुनते हैं क्या? हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे हैं और लोग हैं आपके घर में? कोई नहीं, कोई नहीं, हम ही बुढ़े बुढ़िया टाइट ना। अच्छा अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले? अच्छा, पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी हैं। अच्छा, क्यों गोली से भून दिया? हमरा अरकना जाने छे रात के भले। आपका नाम क्या है सर? नाम तो है पवन शर्मा। पवन शर्मा। अच्छा, क्या हुआ था ये गोली कांड जो हो गया है? इसका हम लोग को कोई पता नहीं है, क्योंकि इसलिए यहाँ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? वहाँ आगे हुआ। अच्छा, इस घटना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुआ आपको? घटना के बारे में तो मान के चलिए जब गोली चला तब ना हम लोग को मालूम हुआ। अब इससे पहले कैसे है नहीं है वो तो हम लोग को पता नहीं। अच्छा, क्या वजह थी? वजह जानने का आप लोग प्रयास किए? गांव के लोग हैं आप लोग, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। गांव का वजह तो भाई जमीन का भी जान दे, लेकिन और दूसरा अंदर का बात क्या है तो वो तो हम लोग नहीं जानते। अच्छा, लेकिन जमीन का तो जानते हैं। अच्छा अच्छा, जमीन विवाद में जो है कभी फजगज हुआ आपस में? हम नहीं देखे हैं फजगज हुआ है कि नहीं हुआ। इतना बड़ा घटना हो जाता है आपके गांव में और आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं दुखी बात है। उधर क्या होता है नहीं होता है इसका हमको क्या पता है। अच्छा, जो गोली कांड जो मतलब कि जो गोली फायर किए हैं वो लोग कहाँ फरार हुए हैं, मतलब कि अब वो कहाँ फरार है उसका हमको क्या? घर पे घर पे मौजूद हैं अभी? हाँ, वो लोग नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, आनंद जी आप बताइएगा। हाँ, नहीं नहीं बता दीजिए ना, गाँव ग्रामीण के आप भी यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था? देखिए, हमको ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो गांव में कोई भी जानकारी कोई भी घटना होता है तो गांव वाले को जानकारी होता ही है। तो हमें बस यही पता चला कि जब गांव आए तो हम गांव में थे नहीं, मार्केट से आए थे, तो पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, गोलीबारी हो गया। जब तक मैं हम आए तब तक मैं हॉस्पिटल जा चुका था जिनको गोली लगा था, और उनके बाद तो हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि जमीन विवाद और दूसरा भी कोई विवाद है?
देखिए वैसे हमको उतना कुछ जानकारी है नहीं, तो जितना जानकारी था आपको हमने बता दिया। अच्छा, विवाद के बारे में नहीं पता है आपको? नहीं कुछ भी विवाद जो है। अच्छा, जिसको गोली लगा है वो किस प्रकार कैसा लड़का है? लड़का आपको जैसा बताया कमाता था, हम ही लोग का एज का था तो कमाता था, वैसे बचपन में साथ में पढ़ा था तो। अच्छा, जो गोली मारा है, जो गोली दागा है, वो कैसा लोग हैं? देखिए उनके बारे में तो पता नहीं है ज़्यादातर, काहे कि हम उनको जानते नहीं थे ज़्यादा, तो गांव समाज का था तो थोड़ा बहुत देखते उखते थे, इससे ज़्यादा हमें कुछ पता। अच्छा, सुनने में क्रिमिनल टाइप के लोग थे वो? देखिए ये भी हम नहीं बता सकते किस टाइप के लोग। अच्छा, किस टाइप के लोग थे आप लोग को तो पता? अच्छा, जो गोली मार लगे वो किस टाइप के लोग रहे? लोग वो थे लबजुगे थे, जहना वो थे ना हमारे नहीं थे वो एना थे वो। अच्छा, वो एना थे वो। देखिए कितना बड़ा हादसा हो जाता है इस गांव में और कहीं ना कहीं किसी को भनक नहीं लगता है किस वजह से, आखिर क्या वजह है, सिर्फ एक नाम दिया जाता है जमीन विवाद में। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इससे पहले एक खबर चलाया गया था मामी और भांजे का संबंध बताते हुए, हालांकि क्या स्पष्ट मामला है वो अभी तक ग्राउंड जीरो पे आके पता नहीं चल रहा है। हालांकि जो नानी है वो बात को यही बता रहे हैं कि जमीन विवाद में दोनों आपस में जमीन ले रहे थे, जिसके वजह से सिर्फ 50,000 रुपया लेकर के आपसी विवाद हुआ और घटना को अंजाम ललके वह जमीन ललके मिलाकर दोनों ललके दोनों मिलाकर तो गाड़ी तो लइए गए उठा के छीन के हमरा से जमीन टाही बचल वह जमीन जे नहीं दलिए कलिए कि टका नानी और तब दै जमीन बाँट कल नहीं देव आप टका आधा आधी के बाँट लेब हम जमीन बस इतने टा बात रह के बस ओहो चल गए पंजाब इहो चल गए दिल्ली इहो से अलो बस कल कि जे हे रे अलो यार बाप कल। अच्छा, के नहीं, आपका नाती जो है वो अपनी मामी को लेकर इससे पहले एक बार फरार भी हो चुका था? नहीं मामी और पुतौ मारलक और आदमी तीन बेर भाग ले, तीन गो बच्चा है, दू गो बेटा है, एगो बेटी है, तीन बेर भाग ले आ तीन बेर अल दु बेर तो अपने अल एक बेर अखन अबरियो भाग ले तबरियो लहरा में है बहने लग बहन लग साथ भाग ले ककरो साथ बस करे तीनों बच्चा लैके गल रहे उसे निकल गए कि अहाँ के नैत लैके भाग ले? नैत लैके नहीं भाग ले, चल गए पाछा जा दू दिन के बाद हमारे नैत गए तो दिल्ली में रहें यूपी में रहें यूपी में कमबे लगल बहन बहने लग वहीं बहन बहने छे तो बहन बहने लग कमबे लगल बहन बहन लग कमबे लगल तो कमेलक तब जब बहन बहने आबे लगल तो आबि के लहरा में हेबे छे तो गल लहरा गल तो कल कि जल्दी तब चल घर चल घर चल तो आबे रहे सबटा गोरपार अल गोरपार अल तो बाप की कहलक तरह दानभी ने तो काटि देबो दू टूक के साथ आ तोरों काटि देबो जत तत घुरा के लहरा के दाही गए घुरा के बेचारा दिल लहरा के बुझलिए तब उ चल अल तब हे अकाउंट कल्क वह मौगी मरबलक बुझलिए। अच्छा, उनकी पत्नी ही मतलब कि कांड करवाई है क्या? हाँ, वह मरबलक हमारा नैत के हमार नैत के बिहार नहीं कलिए कलिए आबे है ना तो अब करिए बिहार बचने वाला है कि नहीं? हाँ बचे वाला है बाबू। हालांकि चलिए उनसे भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम था आपका भंज नैत का? रवि कुमार। हाँ, हालांकि आप लोग रवि कुमार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।